नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त अखिल ज्योति, आज आपको लेके हैं फूड टेक के रिलेटेड और नए अपडेट्स। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस मैं हूँ एक क्रिएटर और मुझे मिलनी चाहिए मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मुझे तब मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, जब कोई कॉमेंट करता है मेरी वीडियो के नीचे, और मेरे को फील होता है कि कोई ना कोई ऐसे ना, जैसे आप लाइक करते हो किसी वीडियो को, मेरी वीडियो को, तो मुझे ना थोड़ी कनेक्टिविटी रहती है आपके साथ कि मैं जो बोल रहा हूँ आपके तक पहुँच रहा है, आप तक पहुँच रहा है। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगी, मैं आपको अपडेट कहाँ से बताऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप नीचे लाल कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो इस चैनल के। अगर नए हैं हो तो गाइस मैं एक फूड टेक टॉक्स की एक सीरीज बनाता हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैं फूड टेक के रिलेटेड सारी अपडेट्स देता हूँ। तो गाइस पहला अपडेट आता है हमारा मंजूश्री टेक्नो पैक के रिलेटेड। गाइस ये एक इंडस्ट्री है जो कि पैकेजिंग मटेरियल और पैकेजिंग बना के देती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को, जैसे कोका कोला। आपको यहाँ पे दिख जाएगी फोटो उसकी, ये बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड को अपने पैकेजिंग मटेरियल देते हैं। तो भाई एक नया यूनिट लॉन्च करा, उसका नाम रखा है बोर्नवेयर। उन्होंने कहा है कि अब वो रिसाइकल पैकेजिंग बनाएंगे। नॉर्मली आजकल जो कंपनी है वो रिसाइकल की तरफ बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, मतलब कि हमें स्टेप फॉरवर्ड कर रही है कैसे वो अपने मटेरियल को, फूड मटेरियल को वो रिसाइकल कर सके। तो उन्होंने भी कहा है कि वो रिसाइकल जो हमारी पैकेजिंग मटेरियल से यूज़ करेंगे, जैसे कि PGR पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल, जो कि कंज्यूमर जो रिसाइकल करके मटेरियल आता है उसे रिसाइकिल करके अपना पैकेजिंग मटेरियल बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है और ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह उन्होंने अपना स्टेप फॉरवर्ड करा है। और इससे गाइस होता भी क्या है कि इंडस्ट्री को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जैसे कि नया रहा मटेरियल खरीदने में ज़्यादा उन्हें पैसे लगते थे, पर अब वो रिसाइकिल कर रही हैं तो बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर सारी उम्र उन्हें रिसाइकिल करके उसी को इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही अच्छा ये स्टेप है। तो गाइस अगला अपडेट आता है हमारा एपिगामिया की तरफ से। गाइस एपिगामिया एक फूड इंडस्ट्री है जो कि कर्ड डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया। तो इन्होंने इंडिया का पहला प्लांट वेस्ट कर्ड और योगर्ट बना दिया है, सॉरी कर्ड बोल दिया मैंने, योगर्ट बना दिया जो कि कोकोनट मिल्क से बना है। जो भी व्यक्ति जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो इस योगर्ट को कंज्यूम कर सकते हैं और वो सेक की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है और बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन है, और मैं कोशिश करूँगा कि एपिगामिया से बात करूँ, अगर वो योगर्ट मुझे दे देंगे रिव्यू करने के लिए तो मैं आपको भी दिखा दूँगा कैसा है, उसका टेस्ट भी कैसा है और उसकी पैकेजिंग बॉक्सिंग भी बता दूँगा कैसा मुझे मिला था। अगर कोशिश करता हूँ, क्या पता उनसे बात बन जाए, अगर ना बनी तो भी ठीक है, अगर बन गई तो बहुत ही अच्छा ठीक है। गाइस अगला अपडेट आता है हमारा FSSAI की तरफ से। गाइस उन्होंने क्या करा है कि मैंडेटरी फूड सेफ्टी ऑडिट ऑफ बिजनेस डेट को इंक्रीज कर दिया, मतलब कि एक्सटेंड कर दिया, जो कि अब हो चुकी है कि 30 सितंबर पहले होती थी, पहले उन्होंने डेट निकाली तो उन्होंने रखा था 31 दिसंबर को, फिर रखा था उन्होंने 30 जून को, अब रखा है उन्होंने 30 सितंबर को। जो भी इसके रिलेटेड आपको जानकारी है वो आपको FSSAI की प्रॉपर वेबसाइट में आपको पता लग जाएगी, जाना रहा है उसमें से देख लीजिए। वैसे अगला अपडेट आता है हमारा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो भाई उन्होंने एक स्टडी के रिलेटेड कहा है कि आने वाले दिनों में जो भी फूड इंडस्ट्री है वो उनकी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में जो इंक्रीज होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कुछ ना कुछ लॉस हो ही जा रहा है, क्या वो सीजन इंडस्ट्री हो, क्या वो डेयरी इंडस्ट्री हो, क्या वो बेकरी इंडस्ट्री हो, क्या वो फिश इंडस्ट्री हो, मीट इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्री को उनको उन्होंने कहा कि ये नुकसान होने के चांसेस हैं, और जिसकी वजह से सभी प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी प्राइस की फ्लक्चुएशन हो सकती है एज पर देयर उनका एक्सपीरियंस। और उन्होंने स्टडी में कहा है प्राइस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है। ज़्यादा रेट आता है हमारा नेस्ले की तरफ से। तो नेस्ले UK ने गाइस एक मिल्की बार निकाला है जिसका शुगर कॉन्टेंट 30% तक डिक्रीज कर दिया गया है, शुगर को डिक्रीज कर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट चॉकलेट बार है जिसका जो शुगर कॉन्टेंट है वो 30% तक डिक्रीज कर दिया गया है। सो गाइस अगर आपको खानी हुई तो ऑर्डर कर लेना, वैसे यहाँ पे मिलेगी नहीं क्योंकि ये नेस्ले UK में है और आयरलैंड में है। अगला अपडेट आता है एक
एमआईटी की स्टडी को रिलेटेड, तो गाइस एमआईटी ने एक ऐसा सेंसर निकाला है जिससे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल की रैपनेस को हम नोटिस कर सकते हैं। मतलब क्या ही हो रहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की रैपनिंग को, मतलब कि थाइलिन प्रोडक्शन हम पता कर सकते हैं एक सेंसर के थ्रू। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये एमआईटी की स्टडीज, और एमआईटी बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे भी आपको पता होगा एमआईटी किस लेवल पे है पूरे वर्ल्ड वाइड में। सो इन्हीं कारणों के और कोई तो करता नहीं है, एमआईटी करेगी और कौन करेगी। गाइस अगला अपडेट आता है हमारा एक, वैसे गाइस मैं आपको सिंपल बता दूं, अगेन जैसे न्यूज आती है तो ज्यादातर न्यूज ऐसी होती है कि कुछ कंपनी अपना स्टेप फॉरवर्ड कर रही है अपनी हाइजीन को लेके, कोई पैकेजिंग को लेके, कोई कुछ को रिलेटेड, मतलब कि कम से कम वो ह्यूमन कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन करना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री में, और कोशिश करना चाहते हैं कि सभी जो इंसान की जो इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्ट को रिलेटेड कम से कम हो, ताकि कोरोना वायरस या COVID-19 से बच सके अच्छी तरह से वो हमारा प्रोडक्ट होगा। ज़्यादातर यही अपडेट आते हैं, कोई डोर जैसे घरों में डिलीवरी कर रहा है फूड प्रोडक्ट का, कोई ऐप निकाल दी किसी ने, तो वैसे तो मैं बताता रहूँगा, पर ज़्यादातर अपडेट ऐसे आते हैं कैसे हम COVID-19 की हाइजीन कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो गाइस यही थे मेरे अपडेट। तो गाइस मैं आपसे एक सजेशन और एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गाइस मैं एक आपको कंटेंट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि यदि स्टार्टअप के रिलेटेड की सक्सेसफुल बिजनेसेस फूड के फूड इंडस्ट्री में कैसे हो चुके हैं, मतलब सक्सेस स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टेप उठाए, कैसे वो सक्सेस पा चुके इंडस्ट्री में, कैसे वो यानी कि फूड इंडस्ट्री में कैसे उन्होंने अपना नाम बनाया। तो अगर आपको गाइस ऐसी वीडियो पसंद हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो गाइस ऐसे मैंने कल कोई एक पोस्ट डाली थी जिसमें कहा था कि जो इस पोस्ट के नीचे कमेंट करेगा उसमें शार्ट आउट दूंगा, तो गाइस उनका नाम है हरदर्श सिंह। तो थैंक यू हरदर्श सिंह, आपने नीचे कमेंट करा और मेरी बात को सुना, क्योंकि यार क्रिएटर को बस एक चीज़ चाहिए आपसे, एक लाइक। अगर आप लाइक मार देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे और बस वीडियो देख लेंगे पूरा, और कुछ नहीं चाहिए क्रिएटर को। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को बता देना। एक फूड टेक के रिलेटेड एक चैनल है जिसमें रोज़ अपडेट मिलते हैं फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड। संडे को गाइस कोई अपडेट नहीं होता, मंडे को मैं डिमोटिवेट हो चुका था क्योंकि बिल्कुल रिव्यूज नहीं आ रहे थे मेरे इस सीरीज को लेकर, तो क्योंकि मैंने पोस्टें डाली थी, देखते सभी हैं, लाइक कोई भी करता है। तो बस गाइस यही थे आज के अपडेट, चलो गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।